उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना सारी गुंडागर्दी बंद कर दी, जिससे उत्तर प्रदेश को वापस सुशासन पे लेकर आ गए। जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो कोई मेला होता है वो शानदार तरीके से भी आयोजन करा, कुंभ मेला, जिससे दुनिया भर में हमारी धाक हो गई, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। एक बार शानदार स्वागत करें। मैं यहाँ पर मेरे सभी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद है, बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर आए मेरे परिवार के सदस्य, मेरे युवा साथी, मेरे गुरुजन, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आपने यहाँ पर आकर हमारा कार्यक्रम सफल कराया। अपना भाषण में आगे तो उससे पहले मैं योगी जी को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान शूरवीरों की धरती है। हर समय यहाँ से सैनिक इस पूरे देश की रक्षा करते हैं, शहीद भी होते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा, मैं उनके नाम लूंगा जो भारत के लिए शहीद हुए, और मैं चाहता हूं हर नाम के साथ आप ताली बजाइएगा, ऐसी ताली बजाइएगा जो पार्टी इस देश को जातियों में बांटना चाहती है उसके कानों के अंदर तक ये देशभक्ति वाली ताली पहुंचे। कांस्टेबल हंसराज गुर्जर, कांस्टेबल संदीप यादव अमरनाथ यात्रा में शहीद हुए, कांस्टेबल रोहिता श्रामा पुलवामा अटैक में शहीद हुए, लांस नायक श्रवण सिंह शेखावत कुपवाड़ा में शहीद हुए, कांस्टेबल राम कुमार मीणा कर्कटुमा पुलिस एक्शन में शहीद हुए। देखो ताली ताली बजाओ तो जोरदार बजाना, नहीं तो मत बजाना, जान जान लगा के ताली बजाना। ये हमारे भारत के लिए शहीद हुए सब। लांस नायक शंकर लाल घोसालिया, सुबेदार रंजीत सिंह, हवलदार राम सिंह जाट, आदित्यनाथ जी, ये जितने भी नाम मैंने लिए, ये हाल ही में हमारे लोकसभा क्षेत्र के ये सभी सैनिक भारत माँ के लिए शहीद हुए। हम ऐसी पार्टी है जो इस समय इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, देश को एक करना चाहते हैं, लेकिन हमारा विपक्ष इस भारत को बांटना चाहता है, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समाजों में बांटना चाहता है। मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप सबसे एक संदेश जाए पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में संदेश जाए कि जयपुर ग्रामीण का हर एक मतदाता ये संदेश भेजता है भारत की सेना को कि हम सब भारत की सेना के साथ हैं और हम सब एक हैं, हम बड़े में बिल्कुल भी नहीं है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संदेश भेजते हैं। अभी हाल ही में कल एक खबर आई, अपने आप में जबरदस्त खबर, इस पूरे दुनिया के अंदर एक आतंकवादी जिसने पुलवामा का हमला करा था, मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का, उसको पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। मैं आपको कहता था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस देश के अंदर कुछ ताकतें हैं जो आतंकवादियों के साथ में हैं, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वापस प्रधानमंत्री ना बने, वो किसी ना किसी तरह से मोदी जी को रोकना चाहते हैं। सिर्फ विपक्ष नहीं, दूसरे देश भी रोकना चाहते हैं। सुनिए सुनिए, देखिए कारण बताता हूं, इतनी देर कैसे लगी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने में, इतनी देर कैसे लगी। चाइना कहता है कि अभी हिंदुस्तान में चुनाव है, चुनाव के बाद में घोषणा करेगा। मुझे बताइए चाइना को इसमें क्या पड़ी है कि भारत में चुनाव है या नहीं, चाइना को इसमें क्या पड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हम कब घोषित करेंगे,
जब भारत का चुनाव खत्म हो जाए, इसमें विपक्ष और चाइना एक भाषा बोल रहा नहीं बोल रहा। आपने देखा पहले पाकिस्तान और विपक्ष एक भाषा बोल रहा था नहीं बोल रहा था। ये जितने भी लोग हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं वो एक ही भाषा बोल रहे हैं कि मोदी को रोको। लेकिन मोदी रुकने वाला है क्या? कौन मदद करेगा मोदी जी? भारत के दबाव में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करा, ये एक कांग्रेस के ऊपर एक करारा तमाचा है जो अभी मजाक उड़ा रहे थे प्रधानमंत्री जी का। ये कभी नहीं रुकते, ये कभी नहीं रुकते किसी से भी सबूत मांगने में। आपको मैं बताता हूं, जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की तो हवाइयां उड़ी थी, कांग्रेस की भी हवाइयां उड़ गई थी। उन्होंने कहा यह क्या होगा, उन्होंने कहा यह क्या होगा, ये तो इससे तो चुनाव जीत जाएंगे, ये सफल कैसे होगा हमला। वो चाहते थे कि हमला असफल हो, लेकिन फिर किसी ने समझाया कि अब तो हमला सफल हो गया, जल्दी से समर्थन दे दो। तो जल्दी से उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट डाली, हम भी समर्थन करते हैं वायुसेना का। दो दिन बाद ही सबूत मांगते हैं भारतीय सेना से। मुझे बताइए, अगर दो दिन पहले आपने कहा कि हम भारत की वायुसेना के साथ हैं, तो दो दिन बाद वायुसेना से सबूत क्यों मांगते हैं? दो दिन पहले बोला साथ है और दो दिन बाद बोलते हैं सबूत मांगते हैं। क्या भाजपा के कार्यकर्ता बम गिराने गए थे बालाकोट में? क्या भाजपा के कार्यकर्ता गए थे या वायुसेना गई थी? जिस वायुसेना को समर्थन करना चाहिए था उन्हें से सबूत मांगते। कांग्रेस जो यहां पर है जयपुर ग्रामीण में, वो तो दो कदम आगे चले गए। वो कहते हैं कि जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर जिले में जो सेना भर्ती होती है उसमें सेना जातिवाद कर रही है। मुझे बताइए, 2014 से पहले 7 साल तक यहां पर जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने हमारे नौजवानों के लिए सेना भर्ती क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने चिंता भी नहीं करी सेना भर्ती लाने की। एक पूरी पीढ़ी निकल गई लेकिन सेना में जाने का अवसर नहीं मिला। मैं आया, मैंने सेना से आग्रह करा, सिर्फ आग्रह करा। मैंने कहा मैं सैनिक हूं, ये मेरे नौजवान मेरे परिवार के हैं, जब भी गांव में जाता हूं देखते हैं कि मेरी तरह हट्टे कट्टे लंबे तगड़े हैं, ये सेना में नहीं जाएंगे तो आप कौन से जिले वालों को सेना में लेंगे? उन्होंने सेना भर्ती शुरू करी। ये सेना भर्ती जो शुरू करी उसमें छाती में नापड़ा था क्या? छाती में नापड़ा था क्या? भर्ती मैं कर रहा था क्या? भर्ती कौन कर रहा था? 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 जब सेना पे भर्ती कर रही थी तो जातिवाद का अगर आरोप लगता है तो मेरे पे लगा रहे हैं या सेना पे लगा रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, ये वही पार्टी है जो सेना से सबूत मांगती है, ये वही पार्टी है जो अब सेना पे आरोप लगाती है कि सेना जातिवाद करती है। सेना के अंदर जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है, जीरो जातिवाद है। मैं 16 साल की उम्र से सेना में हूँ, मेरा बचपन सेना में निकला है, जो मैंने सीखा है सेना में सीखा है। मेरे साथ खड़े होते हैं गुर्जर सैनिक, जाट सैनिक, राजपूत सैनिक, बीरा सैनिक, जो मेरे साथ खड़ा होता है वही मेरा भाई होता है, वही जवाब से भाई होता है। ये कभी मुझे जातियों में नहीं बांट सकते, ये कितनी भी कोशिश कर ले ये मुझे जातियों में नहीं बांट सकते। मैं राजनीति को मैं ठोकर मार सकता हूं लेकिन कभी जीवन के अंदर जातिवाद नहीं कर सकता। क्या आप मेरे साथ में हो? क्या ये बात मानते हो? क्या सेना जातिवाद कर सकती है? क्या कांग्रेस गलत है? क्या कांग्रेस झूठी है? कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और जातिवाद करेंगे। आज ये वोट मांग रहे हैं अपनी जाति बताकर, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश को आधा करना चाहते हैं, आगे बढ़ने के लिए जाति की सीढ़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या जयपुर ग्रामीण जातिवाद करेगा? क्या जयपुर ग्रामीण राष्ट्रवादी है?
मैं विकास की बात नहीं करता। विकास आप भी जानते हैं कि सड़कें बनी है, बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, खेल के मैदान बने हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करा है, नए स्कूल बनाए हैं, हर जगह काम हुआ है। जितनी भी जिम्मेदारी मिली उसके बावजूद भी आप, मेरा परिवार और लगातार मैं आपके साथ आता रहा। मैं चाहूंगा मैं ज्यादा ना बोलकर एक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को यहाँ बुलाऊं और वो आपसे बात करें। जनता के दिलों पर राज करने वाले